हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट में, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मेनली थ्री वे था। फर्स्ट था कंडेंस फॉर्म, सेकेंड वन कंप्लीट स्ट्रक्चरल और एक्सटेंडेड फॉर्म, और थर्ड था बाउंड लाइन फॉर्म। तो फर्स्ट टू हम लोग पढ़ चुके थे, कंडेंस फॉर्म एंड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। वो भी आज आएगा फिर से जब वो बाउंड लाइन फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसका जब कंबाइंड एग्जाम्पल करेंगे तीनों का तो फिर से आएगा। तो जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर मिस हो गया है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो, जिनको अगर दिक्कत हो रहा है वहां पे ढूंढने में, मुझे मैसेज कर दोगे लेक्चर के बाद, सर मेरा फर्स्ट लेक्चर मिस है, मैं उसका फर्स्ट लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, इसमें कोई भी लेक्चर अगर मिस होता है जैसे भी हो वो कवर कर लेना है रिकॉर्डिंग देख करके, और उसमें कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे बात करके, सर ये आप मैंने रिकॉर्डिंग देखा बट ये पार्ट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जब भी लेक्चर के लास्ट में टाइम मुझे मिलेगा, आज का लेक्चर होगा, जैसे लेक्चर पूरा होगा लास्ट में बताओगे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा जैसे टाइम मिलता है। बट जैसे भी हो अपने को अगर मिस होता है किसी कारण से, उसको पूरा कवर करना है, ये ध्यान रखना है इसमें, और कोशिश करो कि लेक्चर मिस ही ना हो यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड वन बोलने का मतलब क्या था, फर्स्ट था कंडेंस फॉर्म, सेकेंड था कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन का। थ्रेड्स क्रिएटिंग एको। क्या बता रहे हो, आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा। ओके फिर किसी का माइक चालू। तो ठीक है, किन्हीं का अगर अभी भी अनम्यूट है तो म्यूट कर लोगे, बाकी लोग जब भी कुछ बताना हो, जब मैं पूछूं तो उस टाइम बता सकते हो, चैट में बता सकते हो, या फिर बेटर तो यह है कि हैंड रेज करके उसके बाद अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चन पूछना हो, तभी तो देख लोगे, अभी ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद बोलूंगा, जैसे कि आधा घंटे का लेक्चर हुआ, जैसे एक टॉपिक पूरा होने वाला पूरा होगा तो मैं खुद बताऊ पूछूंगा कि कोई डाउट हो इसमें तो पूछोगे वहां पे। चलो ठीक है, अब तो प्रॉपर आ रहा है सबको। चलो ठीक है फिर, तो थर्ड वन था इसमें बाउंड लाइन फॉर्म, बाउंड लाइन फॉर्म, और ये फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म था ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब देखना कि बाउंड लाइन फॉर्म में क्या रहेगा इस केस में, तो बाउंड लाइन फॉर्म में तो समझते हैं, उससे पहले एक एग्जाम ये एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे है। देखिए हम लोग पढ़े थे कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में क्या करते थे हम लोग वहां पे, कि जो भी कुछ बॉन्ड्स को शो करते थे और कुछ बॉन्ड्स को शो नहीं करते थे। कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता था, सारे बॉन्ड्स को शो करते थे हम लोग वहां पे, और बाउंड लाइन फॉर्म में क्या होता है, लिखवाएं दिखी लो उसके बाद समझते हैं। इन दिस फॉर्म तो पॉइंट जो है साथ में लिखते जा सकते हो, जब समझना हो तो वहां पे देखोगे प्रॉपर वहां पे। इन दिस फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन एंड बॉन्ड्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड बॉन्ड्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्रॉन इन जिगजैग मैनर, ड्रॉन इन जिगजैग मैनर। मैं रिपीट भी कर देता हूं पॉइंट को, इन दिस फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन एंड बॉन्ड्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्रॉन इन या शोन इन जिगजैग मैनर। अब इसका मीनिंग समझते हैं यहाँ पे, कि नाम से क्लियर कि बॉन्ड लाइन फॉर्म, तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड ड्रॉ करके और बॉन्ड लाइन, बॉन्ड जो होगा उसको लाइन में ड्रॉ करके लाइन के फॉर्म में उसको ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, अब उसी टाइप का आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पे, और एक यहाँ पे कुछ आ रहा हो,
अब इसका मीनिंग देखना है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे देखना है कि मैंने कोई भी एटम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ना तो कार्बन लिखा हुआ है ना तो हाइड्रोजन लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जहां पर भी एंड पॉइंट या कर्व आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वहां पे क्या है एक एक कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, अंडरस्टूड रहता है ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में। डिफरेंट कलर से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बॉन्ड लाइन फॉर्म पहले जो ब्लू में दिखाया गया वही है। अब मैं समझा रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये सी एच यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन। अब अगर हम लोग देखते हैं इसको आते हैं इस एग्जाम्पल में फिर से, यहाँ पे जिगजैग मिनर का मतलब क्या था यहाँ पे है कि जिगजैग मिनर का मतलब इस टाइप से यहाँ पे आ रहा था। इसमें क्या होगा, इस केस में वन यहाँ पर भी एक कार्बन आ रहा है, इस कंपाउंड में कार्बन एटम कितना है अगर पूछा जाए यहाँ पे, तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो जिगजैग मिनर में अगर नहीं लिखेंगे इसको इस टाइप से तो पता ही नहीं चलेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। तो जहां भी कर्व आ रहा हो या एंड पॉइंट हो उसका मतलब क्या, वहां पे एक कार्बन है ये। अब इसी लाइन को अगर स्ट्रेट लिख दो ड्रॉ कर देते तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कितना कार्बन आ रहा है, इसलिए कार्बन पता चल, इसलिए हम लोग किस मिनर में लिख रहे हैं, किस फैशन में लिख रहे हैं यहाँ पे जिगजैग मिनर में, जिससे कि पता चल पा रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन एटम आ रहा है। इसमें भी देखना है वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें भी क्या रहा है फाइव कार्बन आ रहा है। हाँ बताओ विवेक, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर एक स्ट्रेट लाइन में दो कार्बन होंगे ना? हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, अगर अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने इतना लाइन इतना इसका साइज उतना ही ड्रॉ किया हुआ था। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर दो ही कार्बन दिखाना है सिर्फ इतना ये दिखाया जाएगा, वो इसमें क्या होगा दो कार्बन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, बिल्कुल सही इसमें दो कार्बन होगा, बट मैंने इतना स्ट्रेट लाइन दिखाया तो इतना बड़ा बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे। मैं यहाँ पे अगर एक ही लाइन है इतना तो अंडरस्टूड है वो दो ही कार्बन होगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि जिगजैग मिरर में इसलिए लिखते हैं कि पता चलता है कि प्रॉपर कार्बन एटम कितना है, इतना बड़ा बॉन्ड तो ऐसे भी नहीं होता यहाँ पे, बाकी इस टाइप का इसमें क्या होगा दो कार्बन होगा यहाँ पे। तो हम लोग फिर से समझते हैं यहाँ पे है कि जो पहला स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे है, और सब लोग ध्यान से देखोगे पहली बार जो ये हम लोग पढ़ रहे हो तुम लोग, तो पहले बार ये अगर ध्यान से देखोगे इसमें ये याद होता चला जाएगा इसमें। अब इस केस में यहाँ पे तो ठीक है, जिनका भी अगर माइक अभी भी अनम्यूट है तो म्यूट कर लोगे, जब कुछ पूछना हो तो फिर से अगर जैसे पूछ लिए तुम्हारा जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया फिर से वो म्यूट कर लोगे वहां पर, क्योंकि बाकी को भी प्रॉब्लम ना हो प्रॉपर वॉइस जा सके। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, और ये ध्यान रखोगे मैं इसलिए यहाँ पर भी ये है, बाकी अगर ये अनम्यूट करके रखते हो दूसरे को परेशानी होगा तो फिर यहाँ से ही मैं सबका म्यूट कर दूंगा तो फिर उसमें दिक्कत होगी, क्वेश्चन पूछ नहीं पाओगे। तो बेटर है ये कि जब भी क्वेश्चन पूछ ले फिर म्यूट कर लोगे वो। चलो समझते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें जो कार्बन आ रहा है इस केस में यहाँ पे, यहाँ पर भी एक कार्बन 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 और कार्बन जो मैं यहाँ पे रेड से दिखा रहा हूँ। अब इसका मीनिंग समझते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या था एक कार्बन, एक कार्बन बॉन्ड लाइन फॉर्म यही है, इसको लोग समझाने के लिए यहाँ पे एक दूसरे फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये अंडरस्टूड है। अब क्या होता है यहाँ का जो कार्बन है अभी एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है इस कार्बन से, तो कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना था यहाँ पे, तो कार्बन अभी एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन से, तो तीन और किसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो अंडरस्टूड होता है कि क्या है हाइड्रोजन के साथ, नहीं दिखाया देखो तो किसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन पे आते हैं यहाँ पर, या इस कार्बन की बात करें तो यहाँ का कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स टू बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स टू बॉन्ड्स और फॉर्म कर रहा होगा और वो किसके साथ होगा हाइड्रोजन के साथ, कुछ मेंशन नहीं किया गया। अब इस कार्बन पे आता है यहाँ पर, इस कार्बन पे यहाँ का कार्बन थ्री बॉन्ड बना रहा है, वन टू थ्री, और ऑलरेडी थ्री बॉन्ड्स बना रहा है, एक बॉन्ड और बना सकता है क्योंकि टेट्रावेलेंसी होता है, चार ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन मैक्सिमम, एक बॉन्ड और जो बना रहा है वो किसके साथ होगा हाइड्रोजन के साथ, वो अंडरस्टूड है। यहाँ का भी जो कार्बन है नीचे का भी है, यहाँ का कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है ऊपर वाले कार्बन के साथ, तो थ्री बॉन्ड्स और किसके साथ बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे क्या हो गया सी एच थ्री, तीन तीन हाइड्रोजन आ गया।
यहाँ का भी कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे और भी तीन हाइड्रोजन होगा जो कि अंडरस्टूड होता है। दैट मीन्स हर एक कार्बन चार बॉन्ड बनाना, ये याद रखना है। यहाँ का कार्बन अगर ऑलरेडी थ्री बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड और बना रहा होगा और वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये याद रखना है। यहाँ पे इस बॉन्ड लाइन फॉर्म का मीनिंग क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है और इसका ये क्या आ गया फिर यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, इसमें जितना भी बॉन्ड्स है वो सबको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जबकि बॉन्ड लाइन फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन को शो ही नहीं करता, एटम्स आर नॉट शोन। इस एग्जांपल की बात करें, ये सेकंड एग्जांपल ले लो इसको, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है, सी एच थ्री एंड पॉइंट जहां कहीं भी आ रहा हो यहाँ पे क्या होगा, सी एच थ्री यहाँ पर भी क्या रहा था, ये सी एच थ्री यहाँ भी कार्बन और तीन हाइड्रोजन, दैट मीन सी एच थ्री यहाँ पर भी कार्बन और तीन हाइड्रोजन, दैट मीन ये भी क्या होगा सी एच थ्री और ये भी सी एच थ्री, एंड पॉइंट पे हमेशा क्या रहेगा सी एच थ्री। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में है, अब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखने का कोशिश करें, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एंड पॉइंट है कार्बन है और तीन तीन हाइड्रोजन, अंडरस्टूड है यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन होगा क्योंकि यहाँ का कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो तीन हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे, वो दिखाने की जरूरत नहीं है बॉन्ड लाइन फॉर्म में, मैं उसको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या रहेगा, यहाँ पे सी एच थ्री इस टाइप लिख लो, यहाँ पे सी एच थ्री, अब यहाँ पे क्या रहा था सी एच टू, फिर यहाँ पे क्या रहा है सी एच टू, कैसे पता चला, यहाँ का कार्बन टू बॉन्ड्स बना रहा है, एक इस बॉन्ड के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, यहाँ का ऑलरेडी टू बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन, टू बॉन्ड्स और होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दैट मीन सी एच टू, यहाँ पर भी क्या होगा सी एच टू, यहाँ पर भी क्या आ रहा है सी एच टू, दो बॉन्ड पहले से बना रहा है, दैट मीन दो हाइड्रोजन और होगा सी एच टू, और एंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे सी एच थ्री। ये बॉन्ड लाइन फॉर्म और उसका ये कंडेंस फॉर्म आ रहा है, और ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है उसका ये क्या आ रहा है यहाँ पे है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म आ रहा है, सारे बॉन्ड्स को उसको कर दिया गया। एक एग्जांपल हाँ बताओ सर, अगर हम कंडेंस फॉर्म ले रहे हैं तो फिर वो सी एच टू जो बीच में उसको हम लोग ये दे सकते हैं ना, मतलब ब्रैकेट करके थ्री लिख सकते हैं। बिल्कुल, और भी कंडेंस, ये भी कंडेंस फॉर्म है, और भी और ज्यादा कंडेंस करो, ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू, थ्री टाइम्स लिख लो इसको यहाँ पे, और ये सी एच थ्री, इसको और भी कंडेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी सही है। इसको लिखने के बाद इसको लिख पाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सी एच टू सी एच टू सी एच टू थ्री टाइम्स आ रहा है, तो इसको एक ही साथ थ्री टाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ये भी करेक्ट है कंडेंस फॉर्म, ये भी है। अभी तो मैं एक्चुअल मीनिंग समझा रहा हूँ कि इस बॉन्ड लाइन फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। अब मान लो कोई स्ट्रक्चर इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे ध्यान से, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर अगर आ रहा है यहाँ पे, इसको प्रॉपर में ड्रॉ कर देता हूँ इस केस में, अब इसका मीनिंग क्या आ रहा है, अगर इस टाइप से कहीं पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हो, इसमें बताना कि कार्बन कितना यहाँ पे, काउंट करके बताओगे कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे इस कंपाउंड में, चैट में भी बता सकते हो कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे, वन नाइन, सही है बिल्कुल, वैसे वन नाइन सर, नाइन सही है सब लोगों का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो कार्बन क्या आ गया नाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें हाइड्रोजन कितना है वो काउंट करके बताना है, देखो एक सर, समय 20, बता देता हूँ, वेट कर लोगे कितना हाइड्रोजन में बता देता हूँ एक बार, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम से तुम लोग बता पाओगे कितना हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, 20 सर, चेक कर लेते हैं कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 20 हाइड्रोजन, ठीक है देख लोगे यहाँ पे, बाकी सब लोग देख लोगे यहाँ पे एक बार, बाद में जब नेक्स्ट एग्जांपल में पूछूंगा तो वहां पे बताओगे। अब यहाँ पे कार्बन आ रहा है एंड पॉइंट है, यहाँ का कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, ये क्या होगा यहाँ पे एच एच, और ये क्या होगा एच, मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, दैट मीन क्वेश्चन का पार्ट नहीं, वो समझाएंगे मैं बता रहा हूँ, एच एच और एच, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी टू बॉन्ड बना रखा है वन टू, तो दो हाइड्रोजन होगा एच और एच, बीच वाला जो सेंटर का कार्बन है वो ऑलरेडी फोर बॉन्ड बना रखा है वन टू थ्री फोर, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा एच और एच दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एच एच और एच,
फिर सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वो अंडरस्टूड है वहां पर, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना रखा है यहाँ का कार्बन, एच एच और एच। अब काउंट कर लेना था यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है, तो 3 + 3 + 3 + 3 12 आ गया वहां पे, और 2 + 2 + 2 8 इधर से, 12 और 8 20 C9H20। ये इस बॉन्ड लाइन फॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ गया C9H20। बताओ अंशु कुछ पूछ रहे हो सर, वो हम इसे कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बताता हूं मैं, यहाँ पे देख लोगे यहाँ पे। अब इस केस में क्या देखना यहाँ पे है, यहाँ से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये क्या था यहाँ पे, अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये CH3, ये क्या था यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे इस टाइप से लिखो CH3 CH2, यहाँ पे बीच में कार्बन आ गया, फिर ऊपर जाते हैं CH2 CH3, फिर इधर आता यहाँ पे है, यहाँ पे क्या था CH2, यहाँ पे CH2 लिखते हैं CH3, इसको नीचे लिखो यहाँ पे CH2 CH3, और अब क्या रहा यहाँ पे CH2, इस कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, और फिर इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये इसी का कंडेंस फॉर्म आ गया यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड, एक क्वेश्चन जो आता है तुम लोगों में जब भी पेपर होगा तुम लोगों का ऑर्गेनिक का, एक क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, जनरली बॉन्ड लाइन फॉर्म गिवन होगा और उसमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाएगा, दैट मींस कार्बन कितना और हाइड्रोजन कितना यहाँ पे, तो सिंपली इस टाइप से काउंट करके बता पाओगे। और भी एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, बट इस टाइप से सोच सकते हैं वहां पे, और ये इसका कंडेंस फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बॉन्ड लाइन फॉर्म में ही। सर इसके पहले वाले एग्जांपल का थोड़ा डाउट है। हाँ बताओ, इसमें सेकंड में सर आपने जो बीच में लिया था, मतलब CH3 CH2, फिर उसके CH2 आया, और उधर तो हाइड्रोजन 1 ही था ना। कहाँ पे, इस केस में यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे यहाँ का कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस 2 हाइड्रोजन, में डिफरेंट कलर से अगर दिखाऊं यहाँ पे ये क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ का भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 H और H, यहाँ भी H और H, ये क्या रहा है इस केस में, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो CH2 CH2 CH2, तो ये तो ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और बताओ क्लियर हो गया, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। इसको साथ में नोट भी करते जाओगे, मैं प्रॉपर यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा होता हूँ, तुम लोग जल्दी से नोट करो और फिर समझना भी है यहाँ पे। तो कुछ और मैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, तुम लोगों को बताना है उसमें। ये तो हम लोग ओपन चेन में ले रहे थे, अब जो बॉन्ड लाइन फॉर्म वो क्लोज चेन में भी हो सकता है, दैट मींस साइक्लिक में भी हो सकता है वहां पर, उसमें कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे वहां पर। नोट डाउन कर लिया होगा यहां तक सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में साइक्लिक का एक स्ट्रक्चर लूं, अगर यहाँ पे इस टाइप से कुछ गिवन हो, यहाँ पे एक कंपाउंड हो, ये भी किस फॉर्म में है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में, और बॉन्ड लाइन फॉर्म में किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या रहा था, सिर्फ बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसमें बताना है कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना, ये सोच के तुम लोगों को बताना है, इसमें यहाँ पे चैट में भी बता सकते हो। यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है कि पहले कार्बन को काउंट करें, सही है, इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक कार्बन आ रहा है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे आ रहा है, कार्बन और कार्बन, तो कार्बन कितना हो गया यहाँ पे C5। अब हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ का जो कार्बन है एक ही बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे एच, मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था ब्लू वाला अपना CH3, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3, एक और क्या होगा हाइड्रोजन,
यहाँ का कार्बन 1, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर भी क्या होगा 2 हाइड्रोजन एटम। अब कार्बन तो 5 था, हाइड्रोजन कितना आ रहा है वो काउंट कर लेना था, 2 + 2 + 2 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है C5H10, तो यहाँ पे रटना नहीं, कुछ लोग 12 बता रहे थे वो रॉन्ग हो जाएगा, C5H10 आएगा यहाँ पे। करना क्या इसमें, जिस कार्बन पे देखना है, कार्बन ऑलरेडी अगर 3 बॉन्ड बना रखा है दैट मीन्स एक हाइड्रोजन होगा, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखा होगा दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन होगा, इस टाइप से सोचना है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे जो हमने 3-4 एग्जांपल लिया था इसमें सिंगल बॉन्ड ही आ रहा था, अगर कुछ डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल होगा इस टाइप से कुछ आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक CH3 हो, ये भी किस फॉर्म में है, सिर्फ बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट मीन्स बॉन्ड लाइन फॉर्म है ये। अब इसमें भी यहाँ पे समझना है कि पहले कार्बन कितना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1, 2, 3, अब यहाँ पे एक कार्बन होगा 4, एक कार्बन यहाँ पे होगा 5 और ये 6, ये डबल बॉन्ड है, इतना तो 10th में पढ़ रखते होगा कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, बाकी अभी भी हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इसके बारे में। यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन आ गया। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दो लाइन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन को काउंट करना था, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, मैं डिफरेंट कलर से अगर दिखाऊं यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा इस केस में H, क्योंकि यहाँ का कार्बन ऑलरेडी एक ही बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा ध्यान से देखोगे, यहाँ का कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा इस केस में, और यहाँ पर भी सेम, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है यहाँ का कार्बन, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, दैट मीन यहाँ पे क्या होगा एक H, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, यहाँ पे क्या होगा यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है दैट मीन्स एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रखा है दैट मीन्स 3-3 हाइड्रोजन। तुम लोग भी अगर डिफरेंट कलर से दिखा सकते हो जब नोट कर रहे हो नोटबुक में, तो डिफरेंट कलर से दिखा दो तो और क्लियरली समझ में, जब रिवाइज करो बाद में तो क्लियरली समझ में आ पाए। यहाँ पर भी क्या होगा 1, 2, 3 3-3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेना था कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9 और 9 और 3, 12 C6H12, ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर डबल बॉन्ड भी है इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे। बाकी कंपाउंड का नेम क्या होगा तो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, कंपाउंड का नेम तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही है एक्चुअल में, हम लोग सीख रहे हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्म में कार्बन कितना हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, देखिए सबको पता है इसमें कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर इस टाइप से, इसमें कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन, ये किस फॉर्म में दिखाया गया है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में बेंजीन को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और बेंजीन का अगर ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है इसमें सोचना है कि कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल, ये तो पता है वैसे भी रटे हुए सब लोग C6H6। अब यहाँ पे समझना भी है कि किसी भी एक कार्बन पे जाकर के देखोगे, इस कार्बन की बात करें यहाँ का कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी, 1, 2, 3 एक बॉन्ड और होगा और वो क्या होगा अंडरस्टूड है वो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का भी कार्बन डबल बॉन्ड इस साइड और सिंगल बॉन्ड इस साइड दैट मीन्स एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, यहाँ भी सेम एच, हर एक कार्बन पे एक एक एच होगा, तो कार्बन कितना आ रहा था यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हाइड्रोजन भी क्या आ गया यहाँ पे C6H6। एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर इस टाइप से कहीं पे दिखा रहे हैं यहाँ पे तुम्हें, अगर 3 पैरेलल लाइन दिखाया रहे इसका मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, 3 पैरेलल लाइन का मीनिंग ट्रिपल बॉन्ड, सही है ट्रिपल बॉन्ड है ये, और ट्रिपल बॉन्ड जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ इस टाइप से, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी एक कार्बन होगा और यहाँ पर भी एक कार्बन है, वो अंडरस्टूड है, मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ
समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे तो कार्बन और कार्बन, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी थ्री बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3, एक और क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ का भी कार्बन ऑलरेडी थ्री बॉन्ड बना रखा है, एक और क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ पे, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, दो कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे C2H2। इसी को अगर नॉर्मल फॉर्म में दिखाएं हम लोग यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसका मतलब क्या था HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को बॉन्ड लाइन फॉर्म में इस टाइप से दिखाया गया, थ्री पैरेलल लाइन पर, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा C2H2। सिमिलरली इसमें काउंट करके बताना है कि इसमें कार्बन कितना और हाइड्रोजन कितना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में C5H6। कार्बन देख लो, कार्बन तो क्लियरली दिख रहा होता है यहाँ पे कि कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे C5। नेक्स्ट हाइड्रोजन को काउंट करना है, यहाँ का जो एंड पॉइंट का कार्बन है, ये कार्बन ऑलरेडी थ्री बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक और क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी फोर बॉन्ड बना रखा है, थ्री बॉन्ड दिस साइड और वन बॉन्ड दिस साइड, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ का कार्बन 1 2 3 थ्री बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन, सेम यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ का कार्बन एक ही बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स H, H और H। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 3 4 5 6 C5H6, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। इस टाइप से कोई भी कंपाउंड हो तो सोच सकते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करना है, इसमें बताना है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक एक क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, कार्बन कितना हाइड्रोजन कितना है। सब लोग जल्दी से नोटबुक में पहले ड्रॉ कर लो और उसके बाद सोच के बताना। तो कार्बन तो क्लियरली दिख रहा होगा कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन कितना आ गया C10। अब हाइड्रोजन के लिए थोड़ा सा सोचना रहेगा कि हाइड्रोजन कितना है, तो जहां का कार्बन ऑलरेडी अगर फोर बॉन्ड बना रखा है, जैसे कि इस कॉमन कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी फोर बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ का भी कार्बन ऑलरेडी फोर बॉन्ड बना रखा है 1 2 3 4, यहाँ पर भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि थ्री बॉन्ड बना रखा है, H सही है, 8 आएगा वहां पे C10H8। बीच वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये फोर बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे 1 2 3 4, सिमिलरली नीचे भी, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे है C10H8। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक है। अब यहाँ तक जो मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्म ड्रॉ किया हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन आ रहा है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो यहाँ पे उसको कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, एक नोट लिख लोगे यहाँ पे, इफ अनदर एटम, सीधे लिखोगे यहाँ पे अनदर एटम लाइक, अनदर एटम लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन हैलोजन आर प्रेजेंट देन इट इज शोन स्पेसिफिकली, देखो उसको अलग से लोग मेंशन करेंगे, उसको दिखाएंगे वहां पे, इट इज शोन स्पेसिफिकली। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट रहे लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन
कैपिटल एच लिखने का मतलब क्या है, हैलोजन के बारे में बोला जा रहा है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। इनमें से अगर कोई प्रेजेंट हो या इसके अलावा भी कोई प्रेजेंट हो, दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी एटम होगा उसको मेंशन करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में यहाँ पे। एग्जाम्पल में और भी क्लियर होगा, एक पॉइंट और भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है, देखो किन्हीं का अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर लोगे, जब कुछ पूछना हो या बताना हो तो उस टाइम फिर म्यूट कर लोगे, जब कुछ पूछना हो तो उस टाइम अनम्यूट करके पूछोगे। नेक्स्ट है इसमें कि अगर हाइड्रोजन हो यहाँ पे, इफ हाइड्रोजन इज अटैच टू विद, इफ हाइड्रोजन इज अटैच टू विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देन इट इज शोन। तो हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अटैच्ड है उसको भी हम लोग शो करते हैं वहां पे। नॉर्मल कार्बन से अटैच है तो उसको उस हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहे थे, बट अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से अटैच्ड है उस हाइड्रोजन को भी बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम लोग शो कर पाएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा दोनों पॉइंट, तो बस इसको नोट डाउन करना था यहाँ पर। एग्जाम्पल जब देखें तो और भी क्लियर होगा। फर्स्ट नोट में तो यहाँ पे अगर ये क्या रहा, अनदर अनदर एटम, मैं रिपीट भी करता हूँ दो बार इसको, अनदर एटम लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, और इसका मतलब क्या, कैपिटल एच का मतलब क्या होता है, हैलोजन, चाहे क्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ETCR present, then it is shown specifically, और मैं क्लियर लिखने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट अगर कुछ स्टेटमेंट रहेगा तो। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड या साथ में हो सकता है एंड और, तो नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ अगर अटैच है तो उसको हम लोग मेंशन करते हैं उस हाइड्रोजन को भी दिखाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? क्या वही तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ सी एच थ्री को नहीं दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है तन्वी के सर कि सर सी एच थ्री को दिखाना है, तो सिर्फ अगर सी एच थ्री नहीं सी एच फोर की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो सी एच फोर को भी बॉन्ड लाइन फॉर्म में नहीं दिखा सकते। एक ही कार्बन है तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखाने के लिए कम से कम कार्बन क्या हो, दो कार्बन हो, तभी बॉन्ड लाइन फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि सी एच फोर है मीथेन, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में एक डॉट से तुम वो नहीं दिखाएंगे, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है एक कार्बन पे, कम से कम दो कार्बन होगा तो फिर वो बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखा पाएंगे। तो ठीक है सर, हाँ बताओ सर, अगर हाइड्रोजन सल्फर या किसी हैलोजन के साथ अगर अटैच्ड होगा, हैलोजन के साथ, एक मिनट, हैलोजन के साथ तो अटैच नहीं रहेगा, बट अगर सल्फर के साथ अटैच है तो उसको भी दिखा पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर सेमी तरीके से एक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ अगर दिखा रहे हैं तो सल्फर के साथ भी दिखाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतना भी हम लोग देखेंगे। ओके सर, सल्फर के साथ और उसको जरूर दिखा पाएंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन के तरह ही काम करता है। हाँ बताओ विवेक, कुछ डाउट है तुम्हारा? सर ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो उसे कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो दो बॉन्ड दिखाएंगे ना? बिल्कुल, अभी देखते हैं एग्जांपल में आते हैं अभी वहाँ पर, तुम्हारा जो डाउट है दो मिनट रुक जाओ, एग्जांपल जैसे आएगा तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कितना बॉन्ड दिखाएंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नोट डाउन कर लिया हो गई है, मैं एग्जांपल पे आता हूँ इसके। इसका एग्जांपल की बात करें अगर हम यहाँ पर, इसमें क्या रहेगा, अब इस टाइप से कोई, पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। इसमें क्या रहा है, सी एच थ्री CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3 या O CH2 CH3 इस टाइप से आ रहा हो। ये किस फॉर्म में, अभी कंडेंस फॉर्म में, इसी को मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाना है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखना कि कार्बन है CH3 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या रहा है CH3, ये क्या रहा है यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2, फिर CH2, फिर आ रहा है यहाँ पे कार्बन आ रहा है, तो CH3
CH2 और ये कार्बन आ रहा है। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन, और फिर क्या रहा यहाँ पे CH2। तो CH2 CH3 है उसको तुम दिखाते नहीं है, तो CH2 और ये CH3, इसी का ये क्या आ गया, बॉन्ड लाइन फॉर्म आ गया। तो ऊपर में जो स्ट्रक्चर है उसी को देख करके नीचे ड्रॉ करना है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या करना था, CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड आ रहा है इस केस में। डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे बॉन्डिंग में कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाता है। तो एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चैप्टर का नाम ही होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में यही डिटेल में पढ़ना रहता है कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड बना रहा है, कितने डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग होता है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और भी कई तरह के बॉन्डिंग एलिमेंट उसमें आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखना था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन को तो शो नहीं करते हैं, बट यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन को हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इस तरीके से। एक एग्जांपल और मैं ले लूँ, यहाँ पे कुछ भी आ रहा हो, CH3 CH3 CH OH, और यहाँ पे आ रहा कुछ भी CH2 Cl, ले लो इस केस में। इसको मुझे दिखाना हो बॉन्ड लाइन फॉर्म में, इसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर इस केस में क्या है, CH3 CH CH3, यहाँ से स्टार्ट करो। इसमें क्या रहा, यहाँ पे कैसे नीचे ऊपर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। CH3 यहाँ पे, फिर क्या रहा था नीचे, CH3 और यहाँ पे CH, फिर ये कार्बन आ गया यहाँ पे, फिर नीचे क्या आएगा यहाँ पे OH, यहाँ पे ऑक्सीजन से H अटैच है, इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे H, और फिर क्या था ये CH2 ऊपर आ गए CH2, और इससे क्या कनेक्टेड है, एक Cl। तो क्लोरीन या ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको मेंशन करते हैं, और हाइड्रोजन भी अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो उसको भी मेंशन करना है यहाँ पे हम लोगों को। ये इन्हीं स्ट्रक्चर का ये क्या आ रहा है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में आ रहा है। तो कार्बन को हम लोग कभी भी शो नहीं करते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन को भी शो नहीं करते हैं। किस केस में हाइड्रोजन को शो करते हैं, जब वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर से अटैच हो, उस केस में उसको शो करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इस टाइप से कहीं पे आ रहा हो C डबल बॉन्ड OH, ये कोई स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन फॉर्म में, जिसमें देखोगे क्लियरली यहाँ पे कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं किया गया। किस हाइड्रोजन को शो किया गया है, जो कि ऑक्सीजन से अटैच है, उसको शो किया गया यहाँ पे। यहाँ पे तुम लोग को बताना है कि इसमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कितना कार्बन और हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, कितना यहाँ पे काउंट करके बताओ यहाँ पे। तो कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 8, ध्यान से करोगे, 1 2 3 4 5 7 6 7 7 ही आ रहा है, C7। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लोगे, हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, यहाँ तो एक हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है। यहाँ का जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास क्या, यहाँ पे एक ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब कहाँ पे कितना हाइड्रोजन, वो मैंने बहुत सारे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना रखा है कार्बन, मैक्सिमम 4 बॉन्ड दिखाना रहेगा H। अब काउंट कर लो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 यहाँ पर भी आ रहा है, C7H8। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 1 2 3 C7H8O3, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जा रहा है यहाँ पर। ये सब लोगों को यहाँ पे अभी है म्यूट करके रखोगे, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करोगे, बाकी म्यूट करके रखोगे सब लोग। अभी अनम्यूट है, म्यूट कर लो पहले।
चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये क्या गया, इसका मोल पर फॉर्मूला आ गया। तो कोई भी कंपाउंड हो जिसका कि अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन हो उसको हम लोग सोच पाएंगे उसमें मोल पर फॉर्मूला कितना आ रहा है वहां पर। हाँ बताओ कुछ डाउट हो किन्हीं का। तो ठीक है एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ फिर आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। सर इसे कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कोई भी स्ट्रक्चर तो कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें क्या रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहा था CH2, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे CH2, इधर आता है यहाँ पे CH है यहाँ पे और ये इधर से आप लाते यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे और फिर इधर आता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। डेट में यहाँ पे हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड तो दिखा रहे हैं बट कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसको नहीं दिखा रहे, किसी का ये क्या आ गया कंडेंस फॉर्म आ गया यहाँ पे। डेट में कार्बन और हाइड्रोजन कितना वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे CH3 CH 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 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक यहाँ पे आ रहा हो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच थ्री। एक ये स्ट्रक्चर है इसको कंडेंस फॉर्म में दिखाना है। सब लोग ट्राई करो खुद से नोटबुक पे ड्रॉ करने का, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से कॉपी करोगे। हाँ बताओ सर वो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें जहाँ ओ एच आपने दिया है उधर सी नहीं रहेगा क्या? सी बॉन्ड नहीं, ओ के बाद जो है यहाँ पे एच, यहाँ पे कुछ याद हो ये क्या आ रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एच। इस ओ एच का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ओ एच ही है यहाँ पे, है यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है इसके इसमें। ओ एच का मतलब सर, लेकिन लाइन के एंड में ओ एच मतलब लाइंस के एंड में तो सी रहेगा ना? सी रहेगा बट अलग से जब मेंशन कर दिया है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया गया था, हम लोग लाइन के एंड में क्या समझेंगे CH3 है, बट यहाँ पे लाइन के एंड में मेंशन कर दिया कि ये OH है, OH ही मानना है, यहाँ पे मेंशन नहीं है दैट मीन वो CH3 मानेंगे वहाँ पे। क्लियर है अब यहाँ पे? चलो ठीक है बना लिया। अब इस केस में देखना है यहाँ पे इसका यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखाना है, वो कैसे दिखा पाएंगे हम लोग? ये CH3 है, कहीं से स्टार्ट करो ये CH3, यहाँ पे एक CH3 ऊपर है, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, नीचे आता है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इधर आते फिर यहाँ पे क्या रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आ रहा है एन, एन से अटैच एच है तो उसको मेंशन कर दो और बाकी जो CH3 है उसको मेंशन करने की जरूरत है, उसके लिए क्या दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड, इसी का ये बॉन्ड लाइन फॉर्म आ गया यहाँ पे। क्लियर है सबको यहाँ पे है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर से अटैच, अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इस टाइप से अटैच करेंगे, बाकी ये CH3 और ये सी डबल बॉन्ड। आई होप मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, सबको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए क्योंकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही आसान होता है आगे। मैक्सिमम टाइम हम लोग कोवेलेंट जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में ही ड्रॉ कर पाएंगे आगे, ये एक याद रखना था यहाँ पर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ये तुम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ सर, हैलोजन्स के लिए अगर अभी जो एग्जांपल लिया उसमें एन के जगह अगर फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी हैलोजन होता तो फिर वो लिख देते? बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन लिया कोई भी हैलोजन होता तो उसको लिख देते, जो भी हाइड्रोजन होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन जो भी रहता है उसको वहां पे मेंशन करता है। बाकी इसमें बॉन्डिंग कौन सा एटम कितना बॉन्ड बना रहा है वो आगे हम लोग पढ़ पाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में। अभी हम लोग जो कुछ बॉन्डिंग हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए पढ़ेंगे कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है कार्बन। बाकी डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हर एक एटम के लिए पढ़ेंगे कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाएगा कैसे बनाता है। नेक्स्ट शीट में डालना है इसमें यहाँ पे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट शीट है इसमें
बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका मीनिंग देखना, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करोगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो क्या बनाता है। एक पॉइंट लिख लोगे कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक कोवेलेंट बॉन्ड। अब इतना तो सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। इसका डिफिनेशन क्या है कोवेलेंट बॉन्ड का, ये बता सकते हो सबको ही। कोवेलेंट बॉन्ड चलो सबको पता है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ, सिंपल सा है, बाकी सब लोग पढ़ रखते हो गए आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड टेंथ में। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो डिफिनेशन होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पे वर्ड कुछ लोग यहाँ पे सिंपली बताते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। बिटवीन टू एटम्स तो सिंपल सा है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल पे आते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, तो रटना कुछ नहीं है, याद रखना है कि म्यूचुअल शेयरिंग दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है इसमें अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे वो मेनली दो टाइप का रहेगा। यहाँ पे एक बोलते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और दूसरा रहेगा पाई बॉन्ड। मैंने वो कार्बन की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ तो मेनली कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे। इसको हम लोग क्या रीड करें, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ सिग्मा बॉन्ड और नीचे क्या है पाई बॉन्ड। पाई को स्टेप लिखोगे यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लू यहाँ पे सी एच फोर का, मीथेन का। इसमें क्या रहेगा सी एच फोर में एक सेंट्रल एटम क्या है कार्बन। अब कार्बन का देखना है कि एक टर्म आ रहा था यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें देख लेते हैं बाकी आगे क्यों पढ़ेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है सिक्स, ये तो पता है। अब इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कुछ लोग इस फॉर्मेट में पढ़े होंगे टू और फोर, कुछ लोग इस फॉर्मेट में पढ़ लिए होंगे वन एच टू टू एच टू टू पी टू। जो लोग इस फॉर्मेट में नहीं पढ़े तो फिजिकल वाले सर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे इस फॉर्मेट में एस पी डी एफ के फॉर्मेट में। बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है इसका फोर, जो आउटर मोस्ट सेल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या रहता है फोर, जिसके चलते कार्बन फोर बॉन्ड बना पाता है यहाँ पे। वो फिर आगे का पार्ट है, यहाँ पे देखना कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा चार बॉन्ड, चार हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, एटॉमिक नंबर एक होता है एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या होता है इसके इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना लेगा। ये कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो चार इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, और यहाँ पे फिर क्या होगा एक एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, और एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है
तो जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और सिंगल बॉन्ड कैसे बंधा होता है, दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से ये सिंगल बॉन्ड बंधा होता है। और जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या रहा था, सिंगल बॉन्ड, तो जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या रहा था यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या इसमें, सिग्मा बॉन्ड। जब भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। और ये भी क्या रहा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, सी एच फोर में फोर सिग्मा बॉन्ड आ गया, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे कोई अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि सी हो एच एच डबल बॉन्ड सी एच और एच। अब यहाँ पर कार्बन को देखना है कि कार्बन हमेशा क्या होगा, चार बॉन्ड बना रहा है इस केस में, अगर न्यूट्रल के फॉर्म में कोई केटायन या एनायन नहीं है, यहाँ पे चार बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे देखना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड हो, जिस भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसमें से कोई एक बॉन्ड क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा बॉन्ड जो रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा इसमें, पाई बॉन्ड। अब कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, इसके लिए कोई रूल नहीं है, दोनों में से कोई भी एक सिग्मा होगा और कोई भी एक पाई। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला सिग्मा या नीचे वाला पाई, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई रहेगा, और कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इस टाइप से, एच सी ट्रिपल बॉन्ड, ऊपर दिखा दो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, एच सी ट्रिपल बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में हो, और हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग कार्बन को ही ले रहे हैं यहाँ पे एच हो। अब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड है दो एटम के बीच में, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। अब जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए वहां पे एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड हो यहाँ पे क्या होगा, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। में नीचे दिखा देता हूँ इसको, टू पाई बॉन्ड। अब बच्चे पूछते हैं सर इसमें कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, तो कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और कोई भी एक ये कोई भी दो पाई बॉन्ड होगा, इसके लिए कोई रूल नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो दो एटम के बीच में, दैट में सिग्मा बॉन्ड, जहां कहीं डबल बॉन्ड आ रहा हो दो एटम के बीच में, एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो किसी भी दो एटम के बीच में, एक सिग्मा और टू पाई बॉन्ड। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? अब इससे बेस्ट क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग करें यहाँ पे इस टाइप को, अगर एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक नोट डाउन कर लो सब लोग पहले। तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो दो टाइप करेगा, सिग्मा एंड पाई। जब हाँ बताओ कुछ डाउट हो तो, जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया है इसमें पाई से सिग्मा बॉन्ड है ना सर? हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा यहाँ पे टोटल अगर पूछा जाए, मैं समझाने लिखा था ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, टोटल कंपाउंड में पूछा जाए कितना सिग्मा, तो फाइव सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। टोटल सिग्मा कितना आ गया, फाइव सिग्मा वन पाई। वेर इज फोर बॉन्ड, देन फोर बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे, हम आगे पढ़ेंगे कि कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में ये फोर बॉन्ड नहीं होता है। अगर फोर बॉन्ड होगा जो कि कुछ डी ब्लॉक का एलिमेंट शो करता है, वहां पे फिर डेल्टा बॉन्ड आ जाता है, सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड होगा, जो कि अभी नहीं पढ़ना आपने को। कार्बन कभी भी चार बॉन्ड नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता है, ये बॉन्डिंग में डिटेल में आएगा, यहाँ पे अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम लोग पढ़े भी हो गए, वो जो पढ़े हो गए क्या, अल्केन अल्किन अल्काइन, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड तक की, तो कार्बन कभी भी फोर बॉन्ड नहीं बनाता।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं। हाँ वो हम लोग देखेंगे डिटेल में, उसको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे कार्बन फोर बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में इस टाइप का बॉन्ड क्यों नहीं रहता, तो आगे का पार्ट है वैलेंस बॉन्ड पूरी रहता है, केमिकल बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे देखेंगे हम लोग उसको। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा सब लोग, आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान सा ये भी पार्ट है कि सिर्फ जहाँ कहीं भी सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस को कंपाउंड आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें तुम्हें दो क्वेश्चन बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, यहाँ पे इस एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इस कंपाउंड का कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना आ रहा है। तो पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे इसका कार्बन कितना हाइड्रोजन। तो कार्बन तो काउंट करना आसान सा है, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन काउंट करोगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन में डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, ट्राई करो कितना आ रहा है, चेक में बताओ कितना आ रहा है इसका हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी फोर बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल इस साइड और सिंगल इस साइड। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है इसमें सिक्स, क्या आ रहा है C6H10। कार्बन पहले काउंट कर लो, कार्बन में लिख भी रखा है C7, 1 2 3 4, नीचे भी तो कार्बन है, 4 5 6 7 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्या रहेगा, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, 7 है या कुछ और है, काउंट करो अब यहाँ पे कैसे काउंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सर 6 आ रहा है, 7 नहीं होगा, चेक कर लेते हैं एक मिनट। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रहा था, मैं जो ब्लैक से दिखा रहा हूँ एच और एच, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का आंसर आ रहा है इसमें। इसमें हाइड्रोजन काउंट करना था यहाँ पे C7H8, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लोगों को दिक्कत है। तो यहाँ का जो कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ का कार्बन तीन ही बॉन्ड बना रखा है, एक और क्या होगा हाइड्रोजन यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी फोर बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ का कार्बन दो ही बॉन्ड बना रखा है, 1 2, दो हाइड्रोजन, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी फोर बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ रहा है, नीचे कार्बन जो आ रहा है दो ही बॉन्ड बना रखा है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे, C7H8 सही है। अब कदम क्या रहे, सही है, अब ये क्या रहेगा C7H8, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना है वो काउंट के बताना है। तो जो भी यहाँ पे ब्लैक से भी दिखाया जा रहा है हाइड्रोजन, वो भी एक सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है यहाँ पर, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड 6 है। सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, काउंट करो, 6 आ रहा है, 6 और 18 आ रहा है, 6 एंड 4, एक मिनट, पाई बॉन्ड तो क्लियर दिख रहा है कि 4 आ रहा है, 1 2 3 4। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन पहला ही एग्जांपल आ गया, आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो अंडरस्टूड था, ये भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे है, जो कि अंडरस्टूड था, वो दिखाया नहीं जा रहा था। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो जिस किसी भी एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा। अब काउंट करके बताओगे यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड कितना और पाई बॉन्ड कितना है। और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 पाई बॉन्ड्स। देखो एक मिनट सुन लोगे यहाँ पे, एक मिनट वेट कर लो, यहाँ पे मैं बताता हूँ पहला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड दिखाया जा रहा है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, कुछ लोग बता रहे हो सही आंसर है, सही है इसमें कुछ लोगों का फॉर्म क्या आ रहा है तो 14 पाई बॉन्ड तो क्लियरली दो पाई बॉन्ड यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पाई बॉन्ड कितना है 4 तो जब भी पहला एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल आ गया था, कुछ बेसिक एग्जांपल भी देखते हैं, तो जब भी बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिया रहे तो पहले उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में ड्रॉ करना है और उसके बाद ही काउंट करेंगे कि कितना सिग्मा कितना पाई। एक यहाँ पे नॉर्मल से एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम लोगों को बताना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे इस कंपाउंड में, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सर कहाँ डालना है, मतलब वो चैट में डाले? हाँ कहीं भी बताओ, चैट में भी बता सकते हो, मैं चैट में भी बताओगे डाल दो तो मैं देख लेता हूँ वहाँ पे। और अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देखना, मेनली क्या देखना है यहाँ पे सिग्मा, तो जब भी सिग्मा बॉन्ड निकालना यहाँ पे सही आ रहा है सब लोगों का, एट सिग्मा और पाई एक, कुछ लोगों का सेवन सिग्मा आ रहा है, देख लेते हैं क्या आ रहा है वहाँ पे। जब भी इसका सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बनाना हो तो पहले इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, दैट मीन्स जितने भी बॉन्ड है सबको शो कर दोगे यहाँ पे, सी एच एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच, अब काउंट करोगे यहाँ पे वन सिंगल बॉन्ड डेट में सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मैक्सिमम के एट आ रहे थे सही था, एट सिग्मा और पाई तो क्लियरली दिख रहा है कि एक ही पाई है, क्लियर है। तो जब भी किसी स्ट्रक्चर का सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना हो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ कर लेंगे तभी काउंट करेंगे। एक एग्जांपल में और बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये बेंजीन है, इसमें बताना है कि कितना सिग्मा कितना पाई, बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है पाई बॉन्ड कितना है, सोचो यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर सिग्मा बॉन्ड निकाल रहे हैं यहाँ पे वो क्या करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर डेट में हाइड्रोजन वगैरह भी शो करेंगे, उसके बाद ही दिखाएंगे हम लोग काउंट करेंगे। सो 12 बताओ सब लोग सही आ रहा है 12 तो पाई 3 12 सिग्मा और पाई 3 पाई तो क्लियरली दिखता है वहां पे पाई पाई बॉन्ड इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग चैट में बता रहे हो यहां पे जैसा ये मैक्सिमम लोगों के कुछ लोग 6 और 3 बता रहे हो तो 6 नहीं रहेगा यहाँ पे, अंडरस्टूड है कि हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है उसको भी पहले दिखाएंगे और वो भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है क्योंकि फार्मूला क्या था C6H6, यहाँ भी एक एच 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 और एच, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 तो 6 तो हाइड्रोजन के साथ आ गया सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन कितना आ रहा था 1 2 3 4 5 6 तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3। कोई भी अगर एग्जाम्पल आ रहा स्टेप्स है उसको भी सोच सकते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो आई होप अब उसमें बता पाओगे कितना सिग्मा कितना पाई आ रहा है। लास्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, लास्ट क्वेश्चन इसमें बता देना सिग्मा कितना पाई कितना। थोड़ा पेशेंस रख के ड्रॉ करोगे इसका स्ट्रक्चर, कुछ भी रटना नहीं यहाँ पर, इस केस में क्या रहेगा यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ कर लो, ऊपर ड्रॉ में भी पहले लिख कर देता हूँ CH ये अभी कंडेंस फॉर्म में, इसी को मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे 2H2 नहीं होगा, सिर्फ CH होगा, ये इसको करेक्ट कर लोगे तुम लोग भी। ये क्या यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड 17 CH, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये करेक्ट कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड कर रहे थे। CH देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, तो जब भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोला जाए पहले उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में दैट मीन सारे बॉन्ड को शो करके दिखाओगे, उसके बाद काउंटिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तैयार है, वो क्या रहेगा 16। पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा होता है, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 सही है। आई होप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इसको सो सकता है यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, बाकी तो आज टाइम भी हो रखा है ज्यादा, कुछ नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसी में एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ। एक इस टाइप का एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल, इसमें सेम क्वेश्चन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पता है तुम्हें, कितना सिग्मा कितना पाई, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिया रहे तो तुम्हें बता सकते हैं। तो पाई तो क्लियरली दिख रहा है, पाई कितना है, पाई बॉन्ड कितना आ रहा है, पाई फाइव, ये तो क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड कौन करके बताओ सर, 19 सिग्मा 19 बता रहा, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, पहले हाइड्रोजन को भी निकाल लोगे एच, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ रहा है, 17 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एच मेरा एच तेरा एच, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन से अटैच है, 8 आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 वो क्या आ रहा है इसमें 19। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 plus 8, 19, 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड क्लियर है। आज के लेक्चर में मैंने हम लोग क्या पढ़ा है, तो ठीक है किन्हीं का अगर अभी भी अनम्यूट करके रखे हो तो म्यूट कर लोगे, जब कुछ बताना हो तो फिर वहां पे अनम्यूट करो, बाकी म्यूट ही रखोगे, बाकी जितना भी इसमें क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग कह रहे हैं मैं खुद ही वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, किन्हीं का कोई डाउट ना रह जाए, जितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं उतना यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर डाउट रहता है तो हैंड रेज करके उस टाइम क्वेश्चन पूछ लें। चलो ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी है, वो नेक्स्ट क्लास में फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, वो बॉन्डिंग पढ़ लिया है, बॉन्डिंग में एक छोटा सा पार्ट और आ गया है, और उसके बाद फिर हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन पे आते हैं। आज के लेक्चर में कोई अगर डाउट हो तो अभी बता सको, सारा कुछ बोर्ड पे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे पीछे का जितना भी हम लोग पेज पढ़े हुए थे सारा कुछ बोर्ड पे यहाँ पे तो बता सकते हो, और जिनका कोई लेक्चर मिस हो जाता है या फिर कोई समझने में दिक्कत होता है सर, तो वहाँ पर जाकर के मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर जाके देख पाओगे। हाँ बताओ, हाँ बताओ, कुछ बताना चाह रहे हो, चलो ठीक है, और कुछ डाउट नहीं फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसी को फिर। इसी को प्रॉपर रिवाइज करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, बाकी इसमें तो हाँ बताओ, कुछ पूछना चाह रहे हो सर, ये बॉन्ड्स को सिग्मा पाई में डिफाइन करके क्या, इसमें सर बॉन्ड्स को ऐसे सिग्मा और पाई में डिफाइन करके क्या फायदा होता है, फायदा यहाँ पे नहीं होता, कुछ पता तो चले कि कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, देखिए यहाँ पे
कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया। किसी डिफाइन करने का ये फायदा है कि उसमें सिग्मा कितना है, सिग्मा बॉन्ड से पता चल जाता है कि सिंगल बॉन्ड कितना है, और पाई बॉन्ड इसमें एक ही है, डेट मीन्स एक जगह कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें पता चल पाता है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन, कितने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इससे ये पता चलता है सिग्मा एंड पाई से। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और ये पता चल पाता है। चलो ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करता हूँ। बाकी इसमें अभी होमवर्क नहीं है, दो और भी इसके बाद दो लेक्चर और आज हो जाएगा, उसके बाद उन लोगों को होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी वैसा कुछ होमवर्क नहीं, इसी को प्रॉपर रिवाइज करने फिर। चलो ठीक है, ओके, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे। थैंक यू सर, बाय बाय सर, टेक केयर सर। ओके बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू।